Hey guys, welcome back to our channel, and today we are going towards Lucknow, so stay tuned to watch the video till end. तो जी लखनऊ शहर हम लोग जा रहे हैं और ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे आपको हर जगह एक ही चीज़ दिखाई देगी लिखी हुई, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। तो हम लोगों की जो शुरुआत की थी, हम लोगों ने एक बस से की थी, बस से हम लोगों ने अपना ट्रैवल किया था लखनऊ की तरफ। और जो मेरा पूरा व्लॉग है लखनऊ के लिए वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो हमारी जो बस थी वो काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छे से ये बनी हुई थी, और हम लोग अपना घर से ही खाना लेकर आए थे, तो गट्टा करी और पराठे लाए थे। बहुत ही टेस्टी है जी, बहुत ही टेस्टी। इसकी रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। Entered to Lucknow and this is our stay for the day. तो अब मैं तैयार होके जा रही हूँ यहाँ पे सारी फेमस जगहों को एक्सप्लोर करने। तो जी सबसे पहले जो है मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ ये लखनऊ में मेरे ब्रदर की जो ऑफिस है एलीट एलिवेटर्स करके, आपको मैं सबसे पहले उनका ऑफिस दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको सारी जो भी यहाँ पे फेमस जगहें हैं वो आपको उनके बारे में बताऊँगी। सो दिस इज द ऑफिस ऑफ माय ब्रदर इन लखनऊ, निजर का रूम है। तो जी ऑफिस विजिट करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं रॉयल कैफ़े की ओर। ये एक बहुत ही फेमस कैफ़े है लखनऊ का, और अगर आप लखनऊ आए और इनके चार ट्राई ना करें तो आपकी जर्नी जो है वो अधूरी है।
let's just have some taste of this Raj Kachori from very famous Lucknow's cafe, Royal Cafe. तो ये पूरी ओवरलोडेड है ये राज कचौड़ी और इसके साथ एक चटनी भी दी गई है. टेस्ट का भी अच्छा है, ऊपर से क्रंचीनेस है, अंदर से इसके छोले दिए गए हैं और इसके ऊपर भल्ला है. काफ़ी फ्रेश है ये राज कचौड़ी, इसके ऊपर जो फ्रूट्स डाले हुए हैं उसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है चटनी के साथ मिक्स होके. गाइस ये राज कचौड़ी खाने में काफ़ी हेवी है, आप अकेले इसको ख़त्म नहीं कर सकते, तो मेरा इधर पार्टनर है जो मेरा हेल्प करेगा इसको खाने के अंदर. से हाय, से हाय. तो गाइस काफ़ी खट्टा मीठा सा टेस्ट हो गया है इसका, तो इसके ऊपर हम लोग दही डलवा रहे हैं, तो वो भी ऑप्शन है, अगर आपको दही डलवाना है इसके ऊपर तो आप डलवा सकते हो. इसके साथ ही हम लोगों को तीनों चटनीज आ गई हैं जो हमें खानी है, तो हम चाह रहे थे इसके अंदर दही डलवा लें, तो दही ऐड करके इसका जो फ्लेवर है उसको थोड़ा और कंपनसेट कर लें. सो गाइस ये कैफ़े काफ़ी फेमस है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े सेलेब्स जो हैं वो इस रेस्टोरेंट में आ चुके हैं. ये एक तरीके से ये हज़रतगंज साइड जो है ये लखनऊ का सीपी है, तो देखते हैं और जगह रॉयल कैफे. ओवरऑल रिव्यू मैं आपको इसका भी बताती हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू. ये भी उन्हीं के होटल है, होटल रॉयल इन. यहाँ पर ये लोग आ रखे हैं, इधर के जो ओनर है वो काफी फेमस यूट्यूबर भी हैं. तो अब हम लोग आ गए हैं रॉयल कैफे से, तो जो चाट थी उसको हम दोनों मार्क्स देंगे 10 में से 7. अच्छी चाट थी, काफ़ी उसके अंदर तीन लोग हैं या फिर चार लोग हैं तो वो आराम से उसको खा सकते हैं. और जो इसका ड्रॉबैक लगा वो यही था कि जो उसके छोले थे आई गेस वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फ्राई कर दिए थे, अगर वो उसको थोड़ा सा रॉ साइड पर रखते तो आई गेस उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता और वो और ज़्यादा फ्रेश लगता. ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, 230 रुपीज़ की थी ये चाट, सही है प्राइस अकॉर्डिंग टू क्वान्टिटी. अनलिमिटेड लेवल पर आप उसके अंदर दही डलवा सकते हो, चटनियाँ डलवा सकते हो. सर्विस वॉज गुड, टेस्ट वाइज हम इसको 10 में से 7 लेंगे. लखनऊ में आने का आपको ये फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कि आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे आपको लखनऊई कुर्ते जो हैं वो देखने को मिलेंगे. लो जी आ गए, अब हम लोग टुंडे कबाब खा रहे हैं वीना बाजार. अब टुंडा कबाब में है. तो चिकन खाने वाले लोगों के लिए बफेलो और मटन कबाब है. तो गाइस ये वाला जो है ये मटन कबाब है, तो मैं मटन खाती नहीं हूँ तो इसका जो टेस्ट है वो मेरे ब्रदर आपको बताएंगे कि कैसा है. Thank you.
टेस्ट? गुड। कितने मार्क्स? तो इसका टेस्ट जो है तो ठीक है गाइस, अगर आपको आना है मटन वाले खाने तो अमीनाबाद ही आना, ये ओरिजिनल वाला है इधर का, इधर ही आना, ये सबसे बेस्ट है, बढ़िया बताया इसको हमने। जाते ही घुल रहा है वेज कबाब जो है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका, आपको इधर आके ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ये इसका ओरिजिनल पैन है, काफ़ी अच्छा है। तो जी प्रकाश की मशहूर कुल्फी भी इधर ही है। तो खाना खाने के बाद अब हम लोग लखनऊ की एक हेरिटेज प्लेस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो इसका नाम इमाम बारा है, तो मैं आपको कार से भी थोड़ा व्यू दिखाऊंगी इमाम बारा के बाहर का। तो ये जो व्यू है गाइस, आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी मॉन्यूमेंट्स आपको दिखेंगे, ये इमाम बारा है, इमाम बारा के बाहर का व्यू है, इसके अंदर का व्यू भी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी, काफ़ी सुंदर लगता है ये आपको इधर, जब आप आओगे तो आपको थोड़ा बहुत पुरानी दिल्ली की वाइब्स आएगी, लेकिन ये उससे बहुत अलग है, इधर आपको मस्जिदें दिखेंगी हर कोने के अंदर, ये देखें ये इमाम बारा है। सो गाइज, आफ्टर कमिंग फ्रॉम इमाम बारा, अब हम लोग इधर एक बहुत ही फेमस कैफ़े है लखनऊ का, इसका नाम है हीज़ल नट कैफ़े, काफ़ी सुंदर कैफ़े है, और यहाँ पे जो आपको खाना मिलेगा वो एक्सट्रीमली डिलीशियस खाना है, तो आप लोग इधर आइए, ज़रूर आइए, आपको ये जगह बहुत अच्छी लगेगी। सो नाउ वी आर एट हीज़ल नट कैफ़े, तो इनका जो मेन्यू है वो पूरा न्यूज़पेपर के फॉर्म में है, एंड काफ़ी वाइड वैरायटी का इधर है मेन्यू, और इधर की स्पेशलिटी यही है कि इधर जो भी चीज़ें हैं वो हेज़ल नट से या फिर हनी से बनी है, जितनी भी इधर डिशेज हैं, इट्स अ वेरी फेमस कैफ़े इन लखनऊ। सो गाइस, हमारा जो ऑर्डर था वो आ चुका है हेज़ल नट फैक्ट्री से, यहाँ पे हमारी चाउमीन है, शेक है, और मंचूरियन है साथ में, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। शेक भी काफ़ी ठीक है, और स्ट्रॉबेरी का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है उसके अंदर, और जो रेड वेलवेट है उसका भी थोड़ा सा केक का आ रहा है फ्लेवर, मंचूरियन को ट्राई कर लेते। तो गाइस, ये हमारा मंचूरियन है, इसको एक बार हम टेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ कैसा। अमेजिंग गाइस, बहुत ज़्यादा यम फूड है इधर का, ये लखनऊ में मस्त मस्त ट्राई प्लेस है, आपको इधर ज़रूर आना चाहिए। So it's an end to our journey to Lucknow. I hope you like the video. If you do so, please like, comment, share and subscribe to our channel. Thank you.